हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं ननाइमो से, गुड बाय। तो अभी हम हैं फेरी पे, तो आइलैंड है ना ये, तो मेनलैंड पे जाने के लिए पहले फेरी से जाना पड़ता है, स्पेशली जब आप कार लेके जा रहे हो। तो वैंकूवर तक फेरी से जाएंगे और उसके बाद बाय रोड प्रिंस जॉर्ज। अराउंड 8 आवर्स हैं वैंकूवर से और मास्क कंपलसरी है फेरी पे। फर्स्ट टाइम बच्चों ने भी मास्क पहना है। और ये ऊपर वाले डेक पे ना बहुत हवा चलती है, ठंड भी लगती है, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इतनी हवा चल रही है, हम खुद ही हिल जा रहे हैं हवा में। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, seats होते हैं जो बैठ सकते हैं, बट एक एक सीट छोड़ के बनाया हुआ है ताकि वो डिस्टेंस मेंटेन हो सके। अभी यहाँ पे कोई नहीं है ना, इसलिए हम जब भी इंडिया जाते थे या फिर वैंकूवर जाना होता था तो हमेशा फेरी से ही जाते थे। काफ़ी बारी गए हुए फेरी पे, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़ी फेरी होती है, इसमें ट्रक्स कार्स सब जाते हैं। जैसे हमारा सामान भी गया है ना, तो फेरी से ही वैंकूवर जाता है और फिर बाई रोड जाता है। तो आइलैंड से मेनलैंड जाने का जब कोई व्हीकल लेके जा रहे हो तो फेरी ही तरीका है। वैसे अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो फ्लाई कर सकते हो, सी प्लेन में जा सकते हो, तो ये दो ऑप्शन भी होता है। कार में आके बैठ गए हम, वो फेरी पे ना मास्क लगा के बैठना बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया। और मैंने स्पून रखा तो था, बट मुझे अभी मिल ही नहीं रहा है, तो वो कॉफ़ी स्टर करने का स्टिक होता है ना, वो लेके आई मैं। कियूष को योगर्ट खाना था। कियूष कैसे योगर्ट खा रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, कि उसको मज़ा आ रहा है योगर्ट खाने में से, है ना। और कार में हमने पूरा संसार बसा लिया है, क्योंकि 2 नाइट्स रहना पड़ेगा प्रिंस जॉर्ज में बिना सामान के। तो ठंड तो है यहाँ पे, इनफैक्ट ठंड स्टार्ट होगी तो वहाँ तो और भी ज़्यादा होगी, तो ब्लैंकेट तो रखना ही था, तो ब्लैंकेट ऑन रखा था। और कल रात को हम फ्रेंड के यहाँ ही रुक गए थे, तो नींद अच्छे से तो हो ही गई है, अनुज की उतनी अच्छे से तो नहीं हुई है। मेरी भी आँख तो खुली रही थी, वो तो होता ही है ना कि दिमाग में चल रहा है कि कल जाना है, ये करना है, तो रहता ही है। एनीवेज अभी तक सो फार सो गुड, आगे देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। वैसे बहुत लोगों का मैसेज आया था, बीसी का जो ड्राइव होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो काफ़ी लोग जो वैंकूवर साइड में रहते हैं वो प्रिंस जॉर्ज गए हुए हैं, तो काफ़ी लोग बता रहे थे। तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहेगा, और रात को टाइम से बस पहुंच जाएं, बस यही है, इसलिए हम ज़्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। नमक अजवाइन का पराठा और आलू की सब्ज़ी बना ली थी फ्रेंड के यहाँ से, अभी थोड़ा सा खाया है हमने, थोड़ा सा रखा है, और बीच में कहीं पे भी कुछ भी मिलेगा तो वो ले लेंगे बच्चों के लिए। बस तो यहाँ मैंने पैर के पास अपने सारे चिप्स चुप सब बच्चों को थोड़ा बिजी रखने के लिए सब चीज़ें तो आज देनी ही पड़ेंगी। हम पहुंच चुके हैं वैंकूवर और ये हम निकल गए फेरी से बाहर। हेलो वैंकूवर एंड बाय बाय वैंकूवर, हाय एंड बाय, दोनों साथ साथ। लास्ट ईयर ना हम वैंकूवर गए थे, तो वहां का 3 व्लॉग है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। I'm not dreaming.
कनाडा के खेत देख लो दोस्तों, ड्राइव तो बहुत ब्यूटीफुल है, चारों तरफ खेत खलियान और सामने पहाड़। अभी रुको बेटा, अभी तो मुश्किल से 2 घंटे हुए हैं, फिर नहीं 2 घंटे क्या, फेरी से निकले हुए बस 1 घंटा हुआ है और केयूष आर बी इन प्रिंस जॉर्ज। So we still have 7 more hours, right? That's right, Yesha. That's right, Yesha. 7 more hours. मैडम ने खेत तो आपको दिखा दिए, खेतों की हरियाली भी दिखा दी, बट खुशबू नहीं भेज सकते। खुशबू वही वाली। बताओ बताओ कौन सी? बताओ। बहुत सारे गाय हैं आसपास, तो जहाँ पे गाय होता है वहाँ पे क्या होता है? उपले। देखो साई दिखाने का फायदा, ये शब्द बोल रही है उपले। यस, गोबर की खुशबू आती है। और वेदर कभी धूप हो जाती है, कभी छाव हो जाती है, तो कभी माउंटेन्स पे धूप पड़ी और कभी माउंटेन्स के टिप पे बिल्कुल क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम नेक्स्ट ब्रेक लेंगे, फर्स्ट ब्रेक लेंगे एक सिटी में जिसका नाम है होप। काफी अच्छा नाम है होप। तो गाड़ी को भी एनर्जी देंगे और अपने आप को भी थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे ताकि लंबा फिर खींच सके। और केयूष देखो ब्लैंकेट लेके सो गया है। लगे रहे मुझे सो गया है। केयूष सो गया? Hiding in the blanket. And I got a racetrack with a car. God. ये देखो दोस्तों कनाडा का ट्रैफिक जाम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सिंगल लेन कर दिया है। यार ट्रेन, कितनी बिग ट्रेन है। कहाँ से शुरू हुई है इसका एंड देखने को भी नहीं मिल रहा है, चले जा रही है। एंड देखो कहाँ पे आता है एंड, जा दिखेगा ही नहीं। दिखेगा दिखेगा, बीच बीच में से दिखेगा। पिकअप कर रहा है ट्रेन अब। ये है हमारा फर्स्ट ब्रेक होप सिटी में। इफ यू वांट होप कम टू होप, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गैस स्टेशन आए हैं, वॉशरूम ब्रेक किसी को नहीं लेना है, फेरी में सब कुछ डन हो चुका है और हम थोड़ा बहुत मखाना खा रहे हैं जो कि प्रिंस जॉर्ज में नहीं मिलता है। ये रहा कॉस्को का ब्लूबेरी मफिन जो एक कोई नहीं खा सकता। खाने वाले सब खाते हैं। खाने वाले खाते हैं, हम नहीं खा सकते। आप खा लोगे एक? अभी नहीं, नाश्ते में खा सकते। हाँ ब्लूबेरीज फिनिश करेगा, पूरा लेके बैठ गया है। मैंने बोला हाफ देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं टनल के अंदर, अंधेरों को चीरते हुए निकलेंगे हम रोशनी में। ये स्क्रीम गाइस, ये और ये भर दिया हमने रोशनी से। ये लग रहा है ना बिल्कुल वो देहरादून मनाली। देखो यार हर पहाड़ी एरिया सेम लगता है एक पॉइंट के बाद। मम्मी जी भी यही बोलते हैं, मेरी मदर इन लॉ ना जब भी हम बोलते थे शिमला जाना है मनाली, सब तो पहाड़ एक ही जैसे हैं, फिर क्यों अलग अलग जगह जाना है ना? क्योंकि वो हिमाचल में रहे हैं ना मम्मी, इसलिए उनको पहाड़ों से, अब जो पहाड़ों में ही अगर बड़ा हुआ है उसको पहाड़ों को देख के कुछ यूनिक तो लगेगा नहीं। अब जैसे हमने ननाइमो में इतनी ब्यूटी देख ली है कि अभी तो ये सब नॉर्मल है ना पापा। सब मोह माया है, सब मोह माया दोस्तों, सब मोह माया। छोड़ दो छोड़ दो, भटक रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। पूरा एकदम खाली एरिया, भूतिया एरिया। मतलब अच्छा है दिन में, बस ये कि अच्छा है रोड्स वगैरह अच्छे हैं। वैंकूवर में वहाँ पे सड़क नहीं दिख रही थी, इतनी कारें थी, और यहाँ पे सड़क ही सड़क दिख रही है, कार ही नहीं है। सड़क इससे याद आया, सड़क तू आपने देख ली ना कैसी है? मुझे नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं है, मैंने भी सबकी रिव्यू सुनी कि अच्छी नहीं है, फिर मैंने देखा ही नहीं। कार्स है ही नहीं बेटा, कोई है ही नहीं, हम ही पूरे पूरे रोड पे हम वी गेट द होल रोड होल माउंटेन। ओ कार आ गई, कार आ गई, कार आ गई, कार आ गई। अभी आई है तो 5-6 आई है एक साथ आई है।
I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all. So amazing. Neend aa rahi thi beech mein na, bahut lazy lag raha tha. Sab gayab ho gaya. Gayab. Amazing view hai. बीच से नदी जा रही है, दोनों तरफ माउंटेन्स और काफी सारे ना फ्रूट्स लगे हुए हैं और छोटे छोटे ना ऐसे ही दुकान टाइप्स भी लगाया हुआ है रोड साइड पे, फ्रूट स्टैंड करके, है ना, फ्रेश फ्रूट्स. तो इतनी अच्छी लग रही है वाली जो नदी बह रही है, बहुत सुंदर. ट्रेन तो इतनी जा रही है और लंबी लंबी ट्रेन, किलोमीटर लॉन्ग लंबी है ऐसे है. हाँ, और टनल, इतने सारे टनल है, ट्रेन भी टनल के थ्रू जा रही है. ये व्यू ना रुक के एंजॉय करने वाली है, बट हमारे पास टाइम नहीं है. बट सही में कोई ऐसे आ रहा हो ना, कोविड का सिचुएशन नहीं रहता तो हम रात को गई बीच में रुक के आराम से एंजॉय करके जा सकते थे. अमेजिंग व्यू है ये, आराम से बैठो. और केयूष क्या बोलता है, आई विश आई कैन राइड माय बाइक हियर. हां केयूष, ऐसे ऐसे है ना, तो बोलते मैं आप लोगों को ना अपनी जो नानी की जगह है ना, नान के वहां लेके जाऊंगा. वो गांव है हिमाचल में. अब तो काफी कुछ चेंज हो गया होगा, अब तो गांव रहा नहीं होगा. मुझे खुद को गए हुए 15-20 साल हो गए. दोस्तों ये पूरा फार्म एरिया है, एकदम जो गांव बोल सकते हो आप, कनाडा का गांव. ये बड़ा पसंद आया इनको, बोलते कितना अच्छा, एक घर ले लो और चारों तरफ जमीन है. टिंडा तोरी यहाँ पे वैसे भी मिलती नहीं है खाने को बाजार में, तो खुद से उगाओ और खाओ. और केयूष भी बोलता है यस मैं पानी दूंगा. वाह, अच्छी प्लानिंग है, सही प्लानिंग चल रही है. पानी पीना है आपके पास, है तो बॉटल आपके साइड में. देखो साइड में, देखो वाटर बॉटल है. थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों, पैर बिल्कुल जाम हो चुका है. शाम के बज रहे हैं 6 और तलब लग रही है अदरक वाली चाय की. और बाहर की चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो पीनी ना पीनी बराबर है. और इस जगह का नाम है 100 Miles House. क्या क्या जगह का नाम है, नहीं होप, 100 Mile House. 100 Mile House एकदम भूतिया नाम लगता है. 100 Days I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. फाइनली हम पहुंच गए हैं दोस्तों प्रिंस जॉर्ज. रात के 10 बजे तो वैंकूवर से प्रिंस जॉर्ज कम्प्लीटली 9 hours लग गए, और हमने अराउंड 15 minutes plus 15 minutes, दो जगह रुके थे तो 30 minutes का ब्रेक लिया था. वैसे ड्राइव अच्छी थी, बट लास्ट के 2 घंटे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अंधेरा हो गया था. सनसेट के बाद बिल्कुल अंधेरा था और हाईवे पे कोई लाइट वाइट उतनी थी नहीं, और दोनों तरफ जंगल, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. बट बाबा की आरती सुनते सुनते आए, उनका नाम लेते लेते आए और अच्छे से पहुंच गए हैं. अभी अनुज गए हैं पिज़्ज़ा लाने. तो हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था ननाइमो से, और हम आपके साथ पहुंच गए हैं प्रिंस जॉर्ज. बंगाली में ना एक सेइंग है, मानुष पाखी, मतलब हम इंसान बर्ड्स के जैसे होते हैं. देखो सुबह वहाँ थे, शाम को यहाँ हैं. मुझे आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है, आप लोगों ने इतने सारे गुड विशेस भेजे हैं ना, लाइक इस जर्नी को तो सक्सेसफुली पूरा होना ही था. आप लोगों की इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार, मतलब दिल से थैंक यू. सच में आप लोगों के कॉमेंट पढ़ के और इंस्टा के मैसेजेस पढ़ के ना दिल भर जाता है. थैंक्स अ लॉट. और मैं दुआ करती हूँ कि जितना प्यार, जितनी खुशी आप लोगों ने मुझे दी है ना, उससे ज़्यादा प्यार और उससे ज़्यादा खुशी आपको मिले अपनी
अपनी लाइफ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm